पापा पापा, बुआ जी का फोन आया था हैदराबाद से। क्या कह रही थी शांता, अब आ रही है ना? या फिर कोई नया बहाना? नहीं पापा, वो तो बहुत खुश है। कह रही थी शुक्र है परसों बाद मेरे भाई के घर में कोई खुशी तो आई। सचमुच शांता बहुत प्यार करती है तुम सबको। तुम सबको? हाँ हाँ, हम सबको। हाँ, बहुत प्यार करती है हम सबको। अच्छा पापा, मैं मिस्टर कपूर को फोन करती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहे हैं, खाना खाया कि नहीं। हेलो हेलो, कौन? मिस्टर प्रेम? सब सो रहे हैं। मैं बोली गंगू भाई, ये गंगू भाई क्या कर रही है इस वक्त घर पर? छी, कितना गिर गया है दामाद बाबू, लोक रानी पर भी। क्या बात है, दिल कहता है तुम्हें देखूं बार बार, क्योंकि तुम लग रही हो चौधरी का चांद। आज आपका ये चौधरी का चांद आपके साथ किसी होटल में खाना खाने की चाह रखता है। चाहत में तुम्हारी हम बर्बाद हुए, ये सोच कर कि प्यार ऐसा होता है बदनाम हुए। तुम्हारे प्यार की मौजें हम लाए मौजों में, ये रिश्ता बना है तुम्हारी गर्म सांसों से। थाम लो मुझे, कहीं पिघल ना जाऊं, प्यार में तुम्हारे कहीं बिखर ना जाऊं। चलो ना, ये तो तुम्हारा प्यार है एक समंदर, जिस हद तक बिखर जाऊं उसके बाद भी एक इंतहा है तुम्हारे प्यार की। बाप रे, शायर हो आप तो। तुम्हारे प्यार ने निकम्मा बना दिया, वरना हम भी हुआ करते थे कभी काम के। अरे बाबा, चलो ना, अब सारी रात यही करते रहोगे क्या? भूख लगी है, खाना खाने चलते है ना। चलो डार्लिंग चलो, कहीं ऐसा ना कह देना ए दिल, तूने दिल लगाया भी तो उससे जिसके पास ना दिल था। ओए देवा, चलो भी। कहाँ? होटल। क्या कर रहे? खाना खाना है। अब यही मंगा लेते हैं। नहीं प्लीज, मजा आएगा। क्यों, आया नहीं क्या? नहीं हु? चलो भी, खाना खाएंगे। चलो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उस वेटर से झगड़ा करने की? हेलो हेलो, कौन? कैसे हो? ठीक हूँ। पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। मेरी याद आ रही है? नहीं। What? हाँ, तुम्हारी याद आ रही है। अच्छा, तो मेरी याद क्यों आ रही है? तुम दूर हो ना, इसलिए। ओ, तो मेरी याद तभी आती है जब तुम मुझसे दूर होते हो। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। तो क्या कहा मिस्टर प्रेम? साहब मैं सोने जा रही, फोन करके जल्दी आ जाना। जाओ, मैं आता हूँ। हेलो 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 डॉली, फोन करते क्या? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? पापा, गंगू भाई इस वक्त भी घर पर है।
बेटी शांत हो जा, गुस्से से कुछ नहीं होना। कल सुबह उठे ही दोबारा फोन करियो। अगर वो नौकरानी वहाँ दामाद बाबू के साथ होगी तो कुछ ना कुछ आवाज आएगी। नीतू तो रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पापा ने हमको छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, वो गंगू भाई पहले हमारे घर काम करती थी और अब हमारे घर की मालकिन बन गई। मामा। चिंटू तो ऐसे घबरा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? पापा ने तुम्हारी शादी का बहाने हमें घर से बाहर निकाल कर नौकरानी से शादी कर ली। पर ये सब तुझे कैसे पता? My father is a fraud man. इस वर्ष पापा इन दर्ड दुनिया के सबसे गंदे पापा है वो। दुनिया के सबसे गंदे पापा को समझाना होगा, सही रास्ते पे लाना होगा। मामू अब मेरा क्या होगा? क्या अब तुम मुझे पालोगे? अबे चुप कर, यहाँ मेरी शादी टूटने को पड़ी है, तुझे अपनी पड़ी है। मामू आपकी तो शादी हो रही है, शादी तो मम्मी की टूट रही है। अबे अगर तुम घर आ गए तो मेरी शादी तो होने से पहले टूट जाएगी। लड़की वालों को पता चल गया तो एक और नया कलेश। अब मेरी शादी का तो भगवान ही मालिक है। आपकी शादी का मम्मी की शादी से क्या कनेक्शन? अबे जिस घर में ननद आके घर बैठी हो, भांजा साथ रह रहा हो, उस घर में कौन अपनी लड़की की शादी करेगा? और ऊपर से सोने पे सुहागा दामाद, पल में तोला पल में माशा, पता नहीं कब क्या कर दे। पर अब मेरा क्या होगा? मुझे कौन पालेगा? अबे और कितना पालेगा? अब काम धंधे की सोच। पापा ठीक कहते थे, मामू कुत्ता है, काटता है, टांग उठा कर चुच्चू करता है, मेरा मामा गंदा है, मेरा मामा कच्चा है एकदम। अबे चुप कर मेरे बाप, देख हमें दीदी और जीजा जी को फिर से एक करना है, और सबसे पहले ये देखना है जो दीदी सोच रही है वो ठीक भी है कि नहीं। अरे बेटी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। मैंने चिंटू नीटू को भेज दिया है कि चुटिया पकड़कर उस नौकरानी को घर से बाहर निकाल दे, तुझे तेरे घर में बिठा दे। अगली ट्रेन से मैं भी पहुंच रहा हूं। अब ये चिंटू की शादी तो पोस्टपोन करनी होगी, लड़की वालों को कुछ ना कुछ तो समझाना होगा। आप उन्हें क्या समझाओगे? उनकी शादी की तो कार्ड तक छप चुके हैं। अरे कोई ना कोई बहाना लगाकर शादी टाल दूंगा। अब ये तो कह नहीं सकता, दामाद नौकरानी से ही प्यार चाहे बैठा है। पर उन्हें कहोगे क्या? अरे डेट टालनी है टाल दूंगा, कह दूंगा दामाद बाबू की माँ मर गई है। तू घबराती क्यों है? बस एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो फिर देखियो, दामाद बाबू की टेढ़ी तुम सीधी ना कर दी तो मेरा नाम। बस कीजिए पापा, दामाद बाबू वो मुझे छोड़कर दूसरी अपना चुके। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं और मैं यही बताने जा रही हूँ उन्हें। अरे बेटी अपना ध्यान रखना, कल मैं भी यहाँ से चल पड़ूंगा। बनारसी दास जी नमस्कार। कौन? मैं पिंकी का पापा बोल रहा हूँ। अरे अरे जल्दबाजी में आपका नाम ना पढ़ सका जी। ऐसा ही होता है जी जब बच्चे दुखी हो। सुना है आपके दामाद ने दूसरी शादी कर ली है दिल्ली में। अजी ना मेरा दामाद बाबू तो हीरा है हीरा। अजी बच्चे तो दुखी यूं हैं कि दामाद बाबू की माँ मर गई। क्या बात करते हैं? बहुत ही नेक औरत थी जी, सबको खूब प्यार करती थी जी, अब मारा तो बस एक वही सहारा थी जी। अरे आप रोइए मत, मैं अभी आपके घर अफसोस करने आ रहा हूँ। अजी ये शादी तो पोस्टपोन करनी होगी, बच्चे तो दिल्ली चले गए। बस मैं भी दोपहर को जा रहा हूँ। क्या? अब तो दामाद बाबू की माँ की उठावनी के बाद ही आऊंगा समझी जी। चलिए चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, बिटिया को प्यार देना। दामाद बाबू तुझे पूरा ना सुधारा तो मेरा नाम बनारसी दास नहीं। बाहर तो बाहर, अब तुम घर पर भी शुरू हो गए। क्या ज्यादा बनो मत, अगर मैं अंदर चली गई ना तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। क्या डॉली घर घुसने की कैसे शुरू? मैं क्या क्या कर रही हूँ? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अब डॉली क्या जरूरत पड़ी है किसी को फालतू बोलने की? मैं फालतू बोल रही हूँ? ये जो झगड़ा शुरू हुआ है तुम्हारे आने से ही हुआ है ना। अच्छा
तो मेरा इस घर में अपने घर में आने से झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, मेरे इस घर में इतनी औकात है कि जब तुम्हारा मन करे तुम्हारे सास हो जाऊँ, जब तुम्हारा मन करे तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाऊँ, और जब तुम्हारा मन करे इस घर से बाहर हो जाऊँ। अभी तुम तो इसकी शादी करने गई थी, अब यहाँ कैसे? आप होने दोगे? माय फादर इज अ होपलेस मैन। अब तुझे क्या हुआ? कुछ नौकरानी के साथ गुलचर्रे उड़ा रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो तुझे क्या हुआ? चल चल पापा पापा यार रोक ना पापा, सुनो ना यार पापा 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 पापा। दीदी रुक जाओ रुक जाओ दीदी, यूं डरकर भागने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने डाइवोर्स ले भी लिया तो क्या लाइफ आसान होगी? ये दुनिया तुम्हें आसानी से छोड़ देगी? तो क्या करूं? अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहूं? मैंने ये कब कहा? आखिर कैसे देखूं मेरा पति मेरे घर में मेरी आंखों के सामने मेरे नौकरानी के साथ सो रहा है? दीदी अगर हमें सब ठीक करना है तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। भगवान ने औरत में मर्द से ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत दी है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर न जाने क्यों वो हर बार कमजोर पड़ जाती है जब उसे अपना पति किसी और के साथ बांटना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा घर है, वहाँ तुम्हारा पति है और नीटू तुम दोनों का बेटा है। आखिर मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है, कहाँ जाऊँ? पति ने छोड़ दिया तो पिता के घर जाओ। नहीं, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है ना, तो ना सही, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। पापा, दीदी पूरी तरह टूट चुकी है। रोक उसे, मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसे ही दामाद बाबू के कान खींचूंगा। दीदी नहीं, नहीं, नहीं दीदी, मुझे मर जाने दे चिंटू। नहीं दीदी, चिंटू छोड़ दे, मुझे मर जाने दे। अब मरूंगा मैं। बस इतनी सी बात पे क्या डरना? अच्छा, जब वो मर जाती तब डरता मैं? मर जाती तो उसकी किस्मत और तेरी किस्मत। Hurry!
मम्मा, नौकरानी मम्मा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे इसी घर के सामने और दामाद बाबू को सुधारेंगे। लगा फोन मिनिस्टर को। अंकल दीदी के जहाँ जरा दिक्कत हो गई है, जरा आकर देखो आप। मुझे तो पहले ही तुम पे शक था, इतना गिरोगे? छी, क्यों तुम पे गिरता तो ठीक रहता, कम से कम स्टैंडर्ड तो रखते। वही रखा है। क्या मैं मेड से भी गई बीती हूँ? बड़ा ही कमीना दामाद लिखा था किस्मत में, सारी बातें सुनता है मानता है फिर एंड में अपना कुछ ना कुछ अड़ा देता है। पापा, ना जाने क्यों ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। उस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी ना जाने क्यों हरदम शुरू रहती है डॉली। देखो जीजा जी, ये सबको पता है, ये आपके घर की नौकरानी थी और अब वो पटरानी है आपकी। पर इन सब चीजों से क्या होता है, वाइफ तो मेरी डॉली है ना। देखो जीजा जी, ये बहुत चलाक औरत है। आप दुनिया के पहले ह्यूमन मर्द नहीं है जिसके घर में ये सब हो रहा है। आपसे पहले भी कितने मर्द अपनी मर्दानगी के चक्कर में आकर अपना घर बार बिकवा चुके हैं। What? Oh God, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं एक नौकरानी के हाथों की कठपुतली बन जाऊंगा। I will kill that bastard. गलती उसी की है, तुम्हारी नहीं। तो क्या करूं, ना छोड़ू? मुझसे पूछ कर पकड़ा था, जो मुझसे पूछ कर छोड़ोगे? अब ये कौन से ट्रैक पर चल पड़ी? अरे दामाद बाबू, पहले वाले ही ट्रैक पर अड़े रहना। आई विल किल दैट बास्टर्ड। यस, आई विल किल दैट बास्टर्ड। कम बोला कर, ज्यादा बोलने से आदमी भटक जाता है। अरे दामाद बाबू, छोड़ दो उसे, मारना मत। अरे मारकर कौन सा पद्म विभूषण ले आओगे, अपना घर संभालो, ऐसा ना हो लुट गए हो। गंगूबाई, ओ गंगूबाई, गंगूबाई अपनी आदत से मजबूर, जो जो ले जा सकी ले गई। पर कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो खुद दस्तक देकर आता है। ये मिस्टर प्रेम कपूर का घर है जी। ओ, तो आखिर मैंने ढूंढ ही लिया जी। ये सुधर गया है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन यह है इम्पॉसिबल। पर घर के हालात बिगड़ गए हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और यह है कि कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से आप इन्हें प्रमोशन नहीं देते। काम ही ऐसे करते हैं मिस्टर प्रेम। ओ प्यार मोहब्बत, अरे छोड़ो ये सब, मैं तुम सबको एक ऐसी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। क्या? तुम हमेशा कहते रहते थे ना, बॉस बैचलर है, डाउटफुल मैटर है। जी सर। अब छाती ठोक कर बोल दो सबको, बॉस मैरिड है। क्या? अपने दोस्तों को भी बताना। क्या? अपने मोहल्ले के एक एक घर में बताना। क्या? ससुराल इलाहाबाद में भी बताना। क्या? कि तुम्हारे बॉस ने शादी कर ली है। क्या? अब मैं औरों की तरह कंप्लीट मैन बन गया। क्या? मेरे भी बच्चे होंगे, मेरे भी पोते होंगे। क्या? एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, बोलो मिस्टर कपूर। कुछ नहीं सर। मेरी वाइफ कल दिल्ली आ जाएंगी। क्या? एक आलीशान पार्टी दूंगा, दिखा दूंगा सबको कि मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। प्रेम प्रेम प्रेम, तुम्हारा बॉस कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं था? बुढ़ापे में शादी होगी तो ऐसा लगता है जैसे चाइना वार जीत ली हो। हाँ, प्रेम प्लीज तुम टाइम से ऑफिस जाना शुरू कर दो, कुछ उल्टा पुल्टा मत करना। उसकी वाइफ आ गई है, इज्जत से पेश आना और नजर झुकाकर बात करना। वो क्यों? तो क्या उस पर भी डोरे डालोगे क्या, हमें भूखा मारोगे? प्रेम बहुत महंगाई हो रही है, मैं भी उसकी वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगी। उससे क्या होगा? ताकि तुम्हें प्रमोशन मिले। यस, ये ठीक रहेगा। डॉली तुम किसी भी तरीके से बॉस की वाइफ को इम्प्रेस कर लेना, जैसे तैसे करके एक प्रमोशन तो ले ही लूं। ठीक है, कल दिन में मैं तुम्हें फोन करूंगी।
मेरी बात बॉस से करा देना। वो क्यों? ओफो प्रेम, मैं खुद बॉस से बॉस की वाइफ के बारे में पूछूंगी, उसके लाइक डिसलाइक पूछूंगी, उसको डिनर पर इनवाइट करूंगी और छट से फ्रेंड बनाकर उसको पूरी दिल्ली घुमाऊंगी। देख लेना, दिस टाइम योर प्रमोशन इज कन्फर्म। सर बॉस आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। उनकी वाइफ क्यों आ रही है? व्हाट? ही जस्ट गॉट मैरिड एंड हिज वाइफ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओह, तभी आप एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अभी तक बुरी आदतें छूटी नहीं है क्या? नो नो नथिंग, मैं तो बस वैसे ही बता रहा था, बॉस बता रहे थे शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब देखते हैं कैसी है मैडम। सर मुझे तो लगता है इस बार आपकी नौकरी गई। सर आपसे वैसे ही दुखी हैं, मरमर की एक शादी हुई उस पर भी आपकी नजर। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर, वो एक फिल्म आई थी ना, बॉस की वाइफ के साथ प्यार, फिर लफड़ा, फिर डिसमिस। बहुत हो गया, अब तुम चाहो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हाँ तो कितने बजे आ रही है मैडम? मुझे क्या पता। ओ तो तुमने पूछा ही नहीं, इसीलिए तो इतने सालों से तुम्हारी प्रमोशन नहीं हुई। तो मुझे पहले ही मालूम था, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं फोन करूंगी। चलो बॉस से बात करवाओ। वो अपने केबिन में है। तो केबिन में जाकर बात करवाओ। बाकी उसका कुछ पता नहीं चलता, दो मिनट में पगला जाता है, कभी रोता है कभी हंसता है। वो अभी क्या कर रहा है? रो रहा है। जल्दी से फोन दो, अब वो हंसेगा। सर ये फोन। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं मिसेस प्रेम बोल रही हूँ। अरे भाई ये तो तुम्हारी वाइफ का फोन है, मुझे क्यों दे दिया? सर बात तो कीजिए। मैं बात करूँ? जी सर। जी मिसेस कपूर, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? सर आई जस्ट वॉन्टेड टू नो मैडम कितने बजे आ रही हैं? अरे अरे यही कोई 6 बजे। मैं जाकर रिसीव कर लूँ सर? ओहो नो मिसेस कपूर, वो पहली दफा दिल्ली आ रही हैं, इसलिए मैं खुद ही जाके रिसीव करना चाहूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, आप मैडम को लेकर आज रात डिनर पर आप हमारे घर आ जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। थैंक यू मिसेस कपूर। भाई हम आज तो नहीं, हाँ कल आ सकते हैं, वो फ्लाइट से आ रही है ना, इसलिए लिटिल बिट टायर्ड होंगी, और वैसे भी मैंने उनके लिए एक सरप्राइज टेबल बुक करा रखी है। ओके ओके, यू एंजॉय योर इवनिंग सर, आप कल डिनर पर हमारे घर आ रहे हैं। ओके ओके ओके, यू आर ए लकी मैन। जी। इतनी अच्छी वाइफ एक नौकरानी के लिए छोड़ी? जी सर। छी। जी सर। देखो वाइफ के साथ कैसे रहते हैं? जी सर। वाइफ को कैसे खुश रखते हैं? जी सर। एक डिसेंट हस्बैंड बनो। जी सर। क्या हुआ सर? साला पुट्टा ठरकी, मुझे कहता है डिसेंट हस्बैंड बनो। तो क्या गलत कहा सर? देख लेना इसकी वाइफ को कुछ नहीं करूँगा, अपना घर बचा लूँ यही बहुत है। सर बॉस ने आपको बुलाया है। ये कहीं अपना मर्डर न करवा ले मुझसे। ओ गॉड, ये प्रेम पता नहीं कब आने वाले हैं, और ये नीटू को भी आज ही बर्थडे पार्टी में जाना था, इतना सारा काम पड़ा है मैं कैसे करूंगी। रुकिए आ रही हूँ। बॉस अभी आए तो नहीं? नहीं, और तुम जल्दी से चेंज करके किचन में आ जाओ मेरे हाथ बटाने के लिए। ओके डॉली। ओहो तो साहबजादे कहाँ है? वो फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गया है। प्लीज प्रेम झट से सैलेड काट दो। व्हाट सैलेड? और नहीं तो क्या, सुबह से मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, प्रमोशन होते ही मुझे डायमंड टॉप्स ला देना। अरे डिनर कराने से प्रमोशन होती है क्या? अगर इस तरह प्रमोशन होने लगे ना तो सभी अपने बॉस को हर साल डिनर करा दे और ले ले प्रमोशन। प्रेम कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश ही तो कामयाब होती है ना। प्रमोशन ऐसे नहीं दूसरे तरीके से होती है। पता है, देख रहे हो पिछले 14 सालों से प्रमोशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ठीक है आज रात पापड़ तो नहीं है लेकिन रोटियां ही बेल लेना अपने प्रमोशन के लिए। मिस्टर प्रेम लगता है आ गए। नमस्कार, मैं विनोद कश्यप एंड माय वाइफ कविता कश्यप। कोको, मैं प्यार से इनको कोको बुलाता हूँ। कोको ये मिस्टर प्रेम कपूर, ही इज अ ग्रेट मैन। मिस्टर प्रेम कपूर रोमांटिक,
डेडिकेटेड एंड देयर इज वन मोर थिंग, ही इज अ वेरी लक्की मैन, इन्हें इतनी अच्छी वाइफ जो मिली है डॉली। इट्स ओके, बहुत अच्छी है आपकी फैमिली। मुझे ये नहीं पता था कि हम आपके घर आ रहे हैं। क्यों, सर ने नहीं बताया था क्या? नहीं, ये नहीं पता था कि आपके घर आ रहे हैं, बस सिर्फ इतना पता था कि इनके किसी एम्प्लॉय के घर जा रहे हैं। यू नो डार्लिंग, मिस्टर प्रेम बड़े ही दिलफेंक आशिक हैं। ये अपने घर में नौकरों को भी बराबर का दर्जा देते हैं। अरे छोड़िए ना सर, पति वो जो रहे अपनी मुट्ठी में, क्यों मिसेस कश्यप? जी ठीक कहा आपने। मिस्टर प्रेम बता रहे थे कि प्रमोशन केवल काम से नहीं मिलती, प्रमोशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। He is right in this matter. कुछ हटकर काम करना पड़ता है जिससे कंपनी को डायरेक्ट प्रॉफिट आ सके। मिस्टर प्रेम तो चलिए उठिए, डायरेक्ट प्रॉफिट के लिए और बेलिए रोटियां। ओके। बस बस खा लीजिए ना। बस बस थैंक यू, बस बस बस। अरे मिसेस कपूर, आप अपने लिए तो डालिए ना, आप भी तो मिसेस कपूर अपने लिए लीजिए ना। Darling, I'll just wash my hands. Oh, sure. चलिए आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाइए, अब हम चलते हैं। सर डेजर्ट तो लेना ही होगा। ओह नो नो नो, वो हम रास्ते में ही ले लेंगे। प्रेम उसी हेल्प चिल पर। कैसे हो? ठीक, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। बहुत अच्छा खाना बना। आइए आइए मिसेस कश्यप, मिस्टर कश्यप आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो इस बार तुम्हारा निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा है, ये पैसे वाले भी हैं और अनमैरिड भी। तुमसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? ओ बॉस को कुछ नहीं बताऊंगी। सर आइए, सर आइए। प्लीज भाई, आप लोगों ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। देखो मिस्टर कश्यप को कभी छोड़ना मत और यहाँ कभी आना मत, नहीं तो मिस्टर कश्यप को सब कुछ सच सच बता दो। क्या? यही कि तुम भी प्रेम की दीवानी रह चुकी हो और पैसों के लिए प्रेम को अपने जाल में फंसाया था। उससे क्या होगा? से कुछ नहीं होगा, इनका दिल तो टूटेगा ही, साथ में तुम्हें फिर यहां से कहीं और भागना पड़ेगा, समझी? तुम ही वो औरत जो प्रेम की बर्बादी का कारण हो, तुम्हारा तो कुछ बना नहीं और हमारा कुछ रहा नहीं। मिस्टर प्रेम कपूर। ये सर, ये जगह हमने देखी है, 50 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ और इसके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, हेलो कैसे हैं आप? कौन? मैं कविता कश्यप। हाँ तो मिस्टर प्रेम कपूर, यस सर, मैं ये कह रहा था इस जमीन के ऊपर हम 50 एकड़ के अंदर हम एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट लगाएंगे।
इसीलिए मैंने आपको बुलाया था ये जगह सर्वे करवाने के लिए। अब आप इसके पेपर वगैरह वो सब आप इसकी इंक्वायरी करवा लीजिए। कैसी हो? पहले जैसी। मतलब खुश नहीं? कौन खुश रह सकता है 60 साल के बुड्ढे के साथ। तुम्हारा मकसद दौलत कमाना था और वो बॉस के पास बहुत है। पहले पैसा चाहिए था तो वो नहीं था और अब साथी चाहिए तो वो नहीं है। तुम्हें अपनी जरूरतें सिचुएशन के हिसाब से बनानी होगी। कोशिश कर रही हूँ। हेलो हेलो। हाँ कोको डार्लिंग, क्या कर रही हो भाई? अरे मैंने आपके लिए भाई कुछ साड़ियाँ भेजी हैं, जो जो पसंद आए ना रख लेना। जी क्या कह रहे हैं आप? भाई मैं कह रहा था जो जो पसंद आए रख लेना। अच्छा जी। हाँ भाई हाँ, जो जो पसंद आए रख लेना। जो जो पसंद आए रख लूँ? हाँ भाई हाँ। ठीक है जैसा आप कहें। छोड़ो मुझे, हम फंस जाएंगे। मेरा प्रमोशन नहीं होगा और तुम फिर भटकोगी, क्या फायदा? मुझे फायदा देना भी आता है और लेना भी। ये जवानी मस्तानी बड़ी होती है, 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 होती है, होती है। आदमी साला कुत्ता होता है, 4 दिन शांत फिर मुंह मारने को तैयार। ओ गॉड मुझे बचाओ, अब बनेगा मेरा सैंडविच। मैं ऑफिस में हमेशा 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा रखता हूँ, पता नहीं कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए। आज तो स्पेशल बदल कर जाऊंगा, पता नहीं बीवी की नजर क्या क्या ढूंढ ले। हेलो। डिंग डॉन्ग, खुशा कविता से मिलकर मेरा भी नमस्कार कह देता। क्यों? तेरा दोस्त हूँ यार। पर दुश्मन से कम नहीं। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बोलना यार। पूछ रहे थे कविता कैसे है मिस्टर राजा, क्या कर रहे हैं आजकल? मुझे याद करते हो कि नहीं? तो तूने क्या कहा? यही कि तुम्हारी याद में दिल तक भरा घूम रहा है, अच्छे बना लिए काम धंधा छोड़कर सड़कों पर कविता कविता कहता भटक रहा है। ये देखा तुम्हारी याद में 2-3 मर्डर कर दिए, दारू पीना शुरू कर दिया, एक दिन में 6-6 बार कोठे में जाना शुरू कर दिया। ये सब अगली बार कह दूंगा। थैंक यू फॉर आइडिया। इस बुड्ढे को भी यही हसीना मिली थी? अब फिर प्रेम के पीछे पीछे भागो, कब कहां क्या गुल खिल जाए। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रेम ये फिर आ गई है, अब फिर तुम्हारा शुरू हो जाएगा। आज सुबह जब फोन किया तुम्हारे ऑफिस तो पता चला कि तुम साड़ी लेके गए थे, कल ब्लाउज देने जाना, परसों बिजली कौन? यार आई एम नॉट ए मैट। आई नो यू आर नॉट अ मैट, यू आर अ मैन। आदमी साले कुत्ते होते हैं। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, डोंट इंसल्ट डॉग्स। मतलब आदमी कुत्ते से भी ज्यादा ज्ञान बीता है। यू नो द ट्रुथ। आई नो। प्रेम इस बार प्लीज ऐसा कुछ मत करना, बड़ी मुश्किल से पिंकी और चिंटू का रिश्ता टिका पड़ा है। अच्छा डेट फिक्स हो गई? डेट तो कई बार फिक्स हो चुकी, पर लोग समझते हैं कि जीजा ऐसा है तो साला भी ऐसा ही होगा, पर वो ऐसा नहीं है। ये सब तो हम जानते हैं ना, इसीलिए तो कहावत, बुरा घर में जन्म नहीं बुरा बाहर से आए नहीं। तेरी ऐसी की तैसी कहावत के नाम पर फिर ठोट मार गई। मैं तो छोड़ो। ओह मिस्टर प्रेम कपूर, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद योर फैमिली। थैंक यू सर। और अपनी शादी की खुशी में मैं आपको एक रिटर्न गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। व्हाट सर? प्रमोशन। प्रमोशन? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। भाई इसके लिए तो आपको मेरी मिसेज को ही जो है ना थैंक्स बोलना है, क्योंकि उन्होंने ही वकालत की है आपकी प्रमोशन।
श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। ये तो डॉली यार, मेरी प्रमोशन हो गई है। बाहर में जाओ। थैंक्स फॉर प्रमोशन। इट्स ओके प्रेम, ये तुम्हारा बॉस घर में भी ऑफिस चलाता रहता है। मतलब? मतलब ये कि ऑफिस का काम घर में ले आता है और काम करते करते सो जाता है। What? वो तो इतना खुश रहते हैं जैसे खजाना मिल गया हो। देख लो, ये खजाना तो वैसा ही है जैसा तुमने छोड़ा था। I'll be back. One minute. Oh God, ये What? कहाँ छिपू? भागो। Oh darling, आज इतनी जल्दी कैसे? मैंने सोचा काम को कह दिया जाए अलविदा, क्यों हो रहे हम जुदा जुदा। वो तो है ही। क्यों नहीं आज हनीमून मना लिया जाए? ख्याल तो आया। डार्लिंग, कोको डार्लिंग, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आई लव यू कोको। दिन आए जवानी के, खेलो खेल जवानी के, दिन आए जवानी के, खेलो खेल जवानी के, दिल ले जा ले जा ले जा, दिल मेरा तू ले जा, दिल दे जा दे जा दे जा, दिल अपना तू दे जा, दिन आए जवानी के, खेलो खेल जवानी के हो, दिन आए जवानी के, खेलो खेल जवानी के, दिल ले जा ले जा ले जा, दिल मेरा तू ले जा, दिल दे जा दे जा दे जा, दिल अपना तू दे जाए। प्यार मोहब्बत इश्क में मरना जीना कबूल है, दिल दे के दिल लेना ना ना हमको ये मंजूर है। प्यार मोहब्बत इश्क में मरना जीना कबूल है, दिल दे के दिल लेना ना ना हमको ये मंजूर है। दिल ले जा ले जा ले जा, दिल मेरा तू ले जा, दिल दे जा दे जा दे जा, दिल अपना तू दे जा। कड़क कर बरसी हम पे प्यार की बूंदे जम कर, बरस बरस कर बरसी हम पे प्यार की बूंदे छम छम। हाँ कड़क कड़क कर बरसी हम पे प्यार की बूंदे जम कर, बरस बरस कर बरसी हम पे प्यार की बूंदे छम छम। दिल ले जा ले जा ले जा, दिल मेरा तू ले जा, दिल दे जा दे जा दे जा, दिल अपना तू दे जा। होए सुहाना लगता है तेरा प्यार दीवाना करता है, दीवानों की दीवानगी को कुछ तो समझो जानवी। हाय रूप सुहाना लगता है तेरा प्यार दीवाना करता है, दीवानों की दीवानगी को कुछ
तो समझो जानवी, दिल ले जा ले जा ले जा, दिल मेरा तू ले जा, दिल दे जा दे जा दे जा, दिल अपना तू दे जा। दिन आए जवानी के खेलो खेल जवानी के हो, दिन आए जवानी के खेलो खेल जवानी के, दिल ले जा ले जा ले जा, दिल मेरा तू ले जा, दिल दे जा दे जा दे जा, दिल अपना तू दे जा। I love you. हो गया हनीमून। ओए होए। प्रेम, ये क्या चल रहा है? कहाँ क्या? मैंने पूछा ये क्या चल रहा है? कहाँ क्या चल रहा है डार्लिंग? See this. ये प्रमोशन लेटर है। जी हाँ, ये प्रमोशन लेटर है। But why? जब मिली थी तुम्हें बताया था ना, ये तुम लोगों की वजह से ही मिली है। बॉस तुमसे इम्प्रेस है इसीलिए। नो 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 नो, क्योंकि कविता तुमसे इम्प्रेस है इसीलिए। तुम्हें शक करने की आदत पड़ गई है। प्रेम, ये तुम्हारी दूसरी प्रमोशन लेटर है। पहली वाली मेरे पास है जो तुमने ही मुझे दी थी। सो? कविता को पैसा मिल गया उस बुड्ढे से और रोमांस तुमसे। She is happy and satisfied. You are totally mad. No, I'm a totally woman. हाँ। हेलो मिस्टर जवानी मस्तानी, बहुत हो गया। नीचे आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी आओ, उठो। हेलो मिस्टर एडम, आ जाओ नीचे। क्यों? बस आ जाओ नीचे। वो तेरे नानू क्यों आए? मैंने बुलाया है। क्यों? क्योंकि पापा ना फिर से नोटी हो गया। चल मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे हद हो गई, आखिर किसी ने बताया भी है कि हम आए? बता तो दिया है। अरे नीटू, तूने भी बता दिया है ना कि नानू आए हैं। पूछ रहे थे क्यों आए। देख बदतमीजी इसकी, कोई बड़ों की इज्जत नहीं, कोई लिहाज नहीं। मैं तो देख ही रही हूँ कई सालों से, अब आप देखो। मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ। मैं भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? मैं आपसे सॉरी, हम आपसे मिलने आए हैं। आइए आइए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। ये कौन है? यही है वो ब्लैक एंड व्हाइट फर्स्ट लव पापा का। अब तू यहाँ क्या करने आई है? क्यों आई है? शायद आपने इन्हें पहचाना नहीं, ये मेरी वाइफ है। वाइफ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह बेटी आओ बैठो, बुढ़ापे में धुंधला धुंधला नजर आता है ना, इसलिए पहचान ना सका। कोई बात नहीं, मैं प्रेम का बॉस। हाजी साहब, आप हमारे दामाद बाबू को समझाइए। अब कमबख्त शादीशुदा के पीछे पड़ गया है। अभी तक वो चूचू चलता ही जा रहा है। आप लोग तो कह रहे थे कि सब ठीक हो गया। जी सर, सच में सब ठीक हो गया था। न जाने कहां से ब्लैक एंड व्हाइट लग जाग उठा। अब वो जहां गई है वहीं रहे तो अच्छा है, और हमारा पिंड भी जुड़ा रहेगा। ये लड़का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थैंक यू सर। मुझे भी ये बहुत पसंद है। तुझे तो इसका बाप भी बहुत पसंद है। आइए आइए दामाद बाबू, आइए। अब तो चारों तरफ आप ही के गुणगान चल रहे हैं। तो प्रेम, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। यस बॉस। दरअसल हम हैदराबाद के लिए जा रहे हैं और कविता जी का मन था आप लोगों से मिलने का, इसलिए हम दो मिनट के लिए इधर से चले आए। आइए आइए मैडम, आपके साथ एक ठंडा हो जाए। एक एक फोटो भी। हाँ हाँ। अरे गधे के नातिये, ये लोग हैदराबाद जा रहे हैं, तुम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हो? नानू, ये जो बॉस की बीवी है ना, यही पापा का पहला ब्लैक एंड व्हाइट प्यार है। हाँ? अरे बिटुआ, एक फोटो हमरी भी खींची हो इनके साथ।
दूधो नहाओ पूतो फलो। हैदराबाद तो ऐसा शहर है जो वहाँ गया वहीं का होके रह गया। ओके ओके मिस्टर प्रेम, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, बट देयर शुड बी नो कंप्लेन। डार्लिंग, क्या हैदराबाद में ऐसी फैमिली मिलेगी? नो, इतने डिसेंट तो फैमिली नहीं मिलेगी। तो क्यों ना हम इन्हें अपने साथ हैदराबाद ले चले? पर ये क्यों चलेंगे, इनका घर बार तो यहीं पर सब सेट है। एक और प्रमोशन दे दो, चल देंगे हमारे साथ। ओह गुड आइडिया मिस्टर प्रेम, हम जाते जाते गुड न्यूज देना चाहते हैं। वो क्या? अब आपको एक और प्रमोशन दी जा रही है, अब से आप कंपनी के डायरेक्टर होंगे। जी बॉस। खुश हैं आप? जी बॉस। अब आपकी जॉब भी मेरी तरह टूरिंग ही रहेगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ आप भी रहेंगे। ओह नो, हम कैसे जा सकते हैं? नीटू के एग्जाम सिर पर है, चिंटू की शादी है। कोई बात नहीं, आप लोग बाद में आ जाना, बट मिस्टर प्रेम तुम हमारे साथ ही चलो। डार्लिंग चले? यस यस मिस्टर प्रेम, आज से ही तुम हमारे साथ रहोगे। पर नीटू के एग्जाम। कोई बात नहीं मिसेस कपूर, आप ये सब काम निपटाइए, अभी हम मिस्टर प्रेम को अपने साथ लिए चलते हैं। नो! होती है, होती है, होती है। ये जवानी मस्तानी बड़ी होती है, ये जवानी मस्तानी बड़ी होती है।